एक है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक है पॉसिबिलिज्म। ठीक है, अभी डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म क्या होता है देखो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फिर एनसीईआरटी में जाएंगे। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है कि जो नेचर है ना वो हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है, और हम डिपेंड है नेचर के ऊपर, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वी आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नेचर। ठीक है, ये कौन बोलता है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कट्टर तरीके से। ठीक है ना, कि नहीं भाई हम नेचर को चेंज नहीं कर सकते, नेचर बताता है कि हमें कैसे रहना है और हमें वैसे ही रहना चाहिए और हमें नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा आता है पॉसिबिलिज्म वाला। पॉसिबिलिज्म में बोलते हैं नहीं, अगर ह्यूमन बींग चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बींग चाहे तो हर चीज़ पॉसिबल है और ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग नेचर को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, ये क्या आ गया? पॉसिबिलिज्म। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं याद रखना, एग्जाम में आएगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म, दोनों में से कुछ भी आ सकता है या दोनों भी लिखे हो सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि ह्यूमन बींग क्या है, डिपेंड करता है किसमें? इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट डायरेक्टली डिफाइन करता है कि ह्यूमन बींग कैसे रहेगा। और पॉसिबिलिज्म क्या है? कि पॉसिबल है चेंज, हम जो नॉलेज को गेन करके नेचर को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ह्यूमन बींग के लिए हर चीज़ पॉसिबल है, दैट इज़ पॉसिबिलिज्म। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की, कि जो पुराना समय था, इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इंटरेक्शन विद द नेचर इन्वायरमेंट ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय इट। जब नया नया समय था, जब हमने जब सिविलाइजेशन को बनाना सीखा, जब हम धीरे धीरे डेवलप करने लगे, खेती बाड़ी समझे, पहले इंसान तो जंगलों में ही रहता था, वहाँ से बाहर निकला, किस तरीके से उसने सिविलाइजेशन बनाई, तो बहुत डरता था हर एक चीज़ से। तो उस वक्त पे वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, तो उस वक्त का समय अलग था, उस समय वो अलग तरीके से इंटरेक्ट करता था, ये चीज़ बताने की कोशिश हो रही है। इसके बाद धीरे धीरे करके इंसान ने क्या किया, अडेप्ट करना शुरू किया नेचर के साथ, वही कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है ना, नेचर के साथ अडेप्ट करना शुरू किया। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ प्रिमेटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वॉज टर्म एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जहाँ पे क्या होता है कि जो नेचर है वो क्या कहता है, डिक्टेट करता है किसको, इंसानों को, कि कैसे आपको रहना है। ठीक है, और जो ये फोर्स है कि रात हो गई सो गए, ठीक है ना, और दिन हुआ काम करने निकल गए, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है कि जैसे इन्वायरमेंट रखेगा वैसे रहो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिज्म आएगा कि नहीं, पॉसिबिलिज्म है, रात को लाइट जला के भी हम पढ़ सकते हैं या रात को लाइट जला के हम लोग काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, हम लोग नेचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आर क्रिएटेड एवरीवेयर। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएटेड एवरीवेयर, हेल्थ रिस्टोर्ड ऑन हाईलैंड्स। ठीक है, और ह्यूज अर्बन स्प्रॉल फील्ड ऑर्चार्ड एंड पेस्चर्स इन द प्लांट प्लेन्स एंड रोलिंग हिल्स पोर्ट एंड द कोस्ट ओशन रूट्स ऑन द ओशन सर्फेस एंड द सेटेलाइट इन द स्पेस। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है ह्यूमन बींग के, जो हमने पोर्ट्स बनाए हैं कोस्ट में, कोस्टल लाइन्स में। ठीक है ना, ओशन के अंदर हमने रास्ते ढूंढे हैं, किसके लिए? ओशन के अंदर हमने रास्ते ढूंढे हैं शिप के लिए, वो एक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेटेलाइट जो हमने आसमान तक पहुंचा दी, ये सब किसके एग्जाम्पल है भाई? ये सब एग्जाम्पल है पॉसिबिलिज्म के, कि इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। आज के समय में हमने क्या क्या नहीं कर दिया है, हेल्थ को हमने हाईलैंड तक पहुंचा दिया है, मतलब जो पहाड़ में भी आपको आपको क्या मिलेंगे, हॉस्पिटल वगैरह मिल सकते हैं, अर्बन जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ये सब किसने किया है? ह्यूमन बींग ने किया है। ठीक है, बट इसके बाद एक और लाइन है, नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, नेचर हमें रोकता नहीं है, ये पॉसिबिलिज्म कहता है। क्या कहता है? नेचर हमें रोकता नहीं है, नेचर हमें अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारी, एंड द ह्यूमन बींग मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज। ठीक है, ह्यूमन बींग इससे सीखता है और धीरे धीरे जो नेचर है वो इंसान के तरह बन जाता है या ह्यूमनाइज हो जाता है, एंड स्टार्ट बियरिंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एंडीवर। ठीक है, और इंसान धीरे धीरे नेचर पे विजय प्राप्त करने लगता है। ये किसका कहना था? पॉसिबिलिज्म की थ्योरी का कहना था। आई होप कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है इन दोनों का बीच का रास्ता, वो देखते हैं आगे। इन दोनों के बीच के रास्ते को हम लोग बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। ये बोलता है कि ना भाई, ना ज़्यादा डिटर्मिनिज्म हो जाओ, ना ज़्यादा पॉसिबिलिज्म हो जाओ। ठीक है, नेचर के आगे ज़्यादा झुको भी मत और नेचर से ज़्यादा डरो भी मत। ठीक है, नेचर को ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी मत करो, इनके बीच में रहो। न्यू डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, एक ज्योग्राफर थे, ग्रिफिथ टेलर नाम था उनका, और इनने मध्य मार्ग दिया था। मध्य मार्ग मतलब बीच का रास्ता दिया था कि दो आइडिया के बीच में, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कट्टर, ताकि इन्वायरमेंट डिक्टेट करेगा हमको, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच में, और पॉसिबिलिज्म जो पॉसिबल है के बीच में। इसको इनने कहा था न्यू डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, दोनों एक है, न्यू डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है क्या? सिंपल सी बात है, जो ये नाम है यही है मध्य मार्ग। जब नेचर हावी हो, साइक्लोन आया, भूकंप आया, रुक जाओ, डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है, जब साइक्लोन, बाढ़, भयंकर बारिश आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाती है, उस वक्त पे सारी चीज़ें रुक जाती है, उस वक्त पे बन जाओ टर्टल, सीधे अपने शेल के अंदर घुस जाओ। बट जब आसमान खुला है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, सो गो, स्टॉप एंड गो। अपॉर्चुनिटी है तो गो, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो स्टॉप हो जाओ। ठीक है, यही क्या है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या फिर न्यू डिटर्मिनिज्म, किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ओके, ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर इसके बारे में डीपली आ गया लिखने के लिए तो आप एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल, दोस ऑफ यू हु लिव इन सिटीज, ठीक है, एंड दोस हु हैव विजिटेड अ सिटीज माइट हैव सीन दैट ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय लाइट ऑन द क्रॉस रोड। ठीक है, रेड लाइट मीन्स स्टॉप, एम्बर लाइट प्रोवाइड अ गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट टू गेट सेट, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो द कॉन्सेप्ट सो दैट नाइदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नॉट देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबिलिज्म। ठीक है, जैसे आप ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, रेड होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, रेड लाइट है मतलब खतरा है, जब भी जैसे हमने बोला कि साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, रेड लाइट है मतलब वो कि रुक जाओ।
ठीक है, ग्रीन लाइट मतलब कि आसमान खुला है, मौसम सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो रुको मत, आगे बढ़ो, ठीक है, बीच के रास्ते में रहो, जब नेचर बोले आगे बढ़ने के लिए तो बढ़ो, जब नेचर रोके तो रुक जाओ, ठीक है। तो आपको सुननी है इसकी एनवायरनमेंट की भी, बीच का रास्ता है ना, पूरा कट्टरता से पॉसिबल है, पेड़ वेड़ काट दिए, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया ऐसा भी नहीं, और कंप्लीटली नेचर के आगे झुक भी नहीं जाना है, क्योंकि इंसान का वजूद ही तब है जब वो डेवलप करे, ठीक है। इसके बाद न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग द बैलेंस नलीफाइंग द आइदर और डिकोटोमी, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म ने क्या किया था, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या करके आया था कि इसने बैलेंस लेके आया था किसके बीच में, कि वो नल खत्म कर दिया था, आइदर या तो होगा या फिर कंप्लीटली डिकोटोमी। देखो डिकोटोमी और ड्यूलिज्म में छोटा सा अंतर है, जो हमने पहले बोला था ना कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया या पॉसिबिलिज्म है, ये ड्यूलिज्म है, ड्यूलिज्म नहीं है, यह है डिकोटोमी, ठीक है। डिकोटोमी मतलब कट्टरता, कि ड्यूलिज्म होता है अच्छा, मतलब कि एक इंसान बोल रहा है चीज़ों को आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा बोल रहा है कि ऐसे भी कर सकते हैं, इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है, कुछ नया वे मिलता है यहाँ पे करने का, ये कट्टरता नहीं होती है, ये समझदारी होती है, कि आप एक चीज़ को कोई इंसान बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ड्यूलिज्म है। एक चीज़ को करने के दो तरीके, कि आपको किसी पॉइंट में पहुंचना है, आप राइट से भी पहुंच सकते हैं, लेफ्ट से भी, दोनों सही है, ठीक है। पर डिकोटोमी का मतलब होता है कट्टरता, ठीक है, कि नहीं, इस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब यही सही, पॉसिबिलिज्म मतलब यही सही, ठीक है, बीच का रास्ता ही नहीं है। तो न्यू डिटर्मिनिज्म ने एक बीच का रास्ता निकाला था और उसने आइदर और डिकोटोमी को खत्म कर दिया था, नल कर दिया था, ठीक है, पूरा।